नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कोई ब्लॉग वीडियो या कोई मार्केट प्लेस वीडियो नहीं, आज डिस्कस करने वाले हैं एक बात पे। और बात क्या है, बिहार से दो तीन रील हमने शॉर्ट्स में डाला है फॉर अट्रैक्शन आप लोगों के लिए। मैं बहुत दिनों से सुनते आ रहा, बहुत दिनों से देखते आ रहा, मनीष कश्यप बिहार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे एक तरह से। लोगों की समस्याओं को उठाते हुए, सरकार की गलत और सही चीज़ों को दिखाते दिखाते पूरे बिहार में एक ब्रांड बन गया मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप के चाहने वाले पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा लोग हैं। जितना शासन प्रशासन जो गद्दी पे बैठे हैं उनको चाहने वाले, उनसे कहीं ज़्यादा गुना चाहने वाले मनीष कश्यप के हैं। तो कुछ महीने पहले, मान चलिए 6-7 महीने पहले, मनीष कश्यप सर ने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में गलत होता है, मार खाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। ऐसा शायद तमिलनाडु में ही नहीं, जहाँ तक मैं कई स्टेट में देखा हूँ कि बिहारियों के साथ गलत सलूक होता है। पंजाब में भी होता है, कोई अलग गिना चुना नहीं है, वहाँ पे भी होता है, कई सारे जगहों पे होता है। तो मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया कि मतलब आप दंगा भड़काने वाला वीडियो बनाए हो, तो उनको NSA लगा के तमिलनाडु की जेल में डलवा दिया गया। अब तमिलनाडु की जेल में मनीष कश्यप के प्रति कोई वैसा सबूत नहीं मिला कि हाँ मनीष कश्यप दोषी हैं या इनको कड़ी से कड़ी सजा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ का जो 6 महीने का सफ़र रहा वो बस तारीख के पीछे भी बीता गया, तारीख पे तारीख चलती रही, और मनीष कश्यप को तमिलनाडु जेल से पटना की जेल में शिफ्ट कराया गया। अभी जल्दी में पटना शिफ्ट होते मनीष कश्यप जब बाहर आने लगे कोर्ट की तारीख पे, तो मीडिया में कई लोगों के सामने कुछ बातचीत हुई, नॉर्मल सा चलता रहा। लेकिन जल्द में ही मनीष कश्यप के साथ ऐसी हरकत होने लगी जेल के अंदर कि उनके साथ नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी लोगों के बीच में डाला जाने लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है, उस सरकार को डर है कि मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर हो गया तो उसकी ऐसी तैसी फिक्स है। क्योंकि मनीष कश्यप ने कई बार कहा था कि मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है लालू जी की और नीतीश बाबू जी हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, उनके बेटे जो हैं, तो उन लोगों को बोला था कि आपकी सरकार को गिरा देंगे। तो इस बात से कहीं ना कहीं चिढ़ थी, तभी जाके अभी भी लालू यादव जो वहाँ के क्या बोलते हैं सरकार के साथ है। तो ये मनीष कश्यप के लिए उनके प्रति ये चीज़ें दिख रही हैं कि उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा अभी पटना में। तो मतलब कहीं ना कहीं तमिलनाडु में कुछ नहीं हो सका तो अपने पटना में ऐसे कर रहे हैं। लेकिन पटना में खुलेआम सबको पता है मनीष कश्यप बाहर आ रहे हैं और अंदर के हाल बता रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आपको लंगोटी लेके भागना पड़े वहाँ की सरकार को और मनीष कश्यप को जेल से बाहर आना पड़े और ताला आपका टूटेगा। तो आप लोग सहयोग करते रहिए, और सही है या गलत आप कमेंट करके बताइए। जहाँ तक हमें लगता है कि पूरे भारत में अगर कोई ऐसा पत्रकार देखा गया है तो बिहार के पटना में मनीष कश्यप, और पूरे भारत में चर्चा में है, पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में भी, क्योंकि विश्व में यहाँ के लोग जो बैठे हैं मनीष कश्यप का सहयोग करते हैं। मनीष कश्यप जैसा अगर पत्रकार सभी स्टेट सभी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो हमें नहीं लगता एक भी पैसे का गलत काम होगा या कोई घूसखोरी होगी या कोई गलत सड़क खड़िंजा ये सब बनेगा, सभी गांव सुधर जाएंगे। तो आवश्यकता है पूरे स्टेट में, पूरे जिले में मनीष कश्यप जैसे पत्रकार की। अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो मनीष कश्यप बन के दिखाओ, और यहाँ के बिहार की सरकार की तरह नहीं कि गद्दी के लिए किसी सच्चे पत्रकार को जेल के अंदर डला दिया जाए। कहाँ तक मैं सच बोल रहा हूँ, आप क्या सोचते हो, अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के बारे में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।